अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और साथ ही अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ मैं। तो आज मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट था, तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश किया। फ्राइडे का व्लॉग है ये, और आज बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी। एवरी फ्राइडे मैं चेंज करती हूँ। तो उसके अलावा ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, और अगर कुरान भी पढ़ना होता है, तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कुकिंग वगैरह। तो मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो रही थी, मैं थक गई थी बेड शीट्स वगैरह और क्लीनिंग करने के बाद, चेंज करने के बाद सब कुछ। तो हुरैन कह रही थी कि मैं कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, माशाल्लाह से वो कपड़े फ़ोल्ड कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाती। और इसके अलावा मैं अब आ चुकी हूँ किचन में। किचन में बन रहा है बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही फेवरेट है हमारा। तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, और लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खा लेते हैं। हुरैन और हना भी उधर अपना खेल रही थी। तो इसके अलावा फिर मुझे ये भी था कि हुरैन का होमवर्क करवाना है, वो भी मैं सोच रही थी, तो जल्दी से मैंने खाना बनाना था। इसके अलावा फिर मैंने अपने दूसरे काम भी करने थे, और नमाज़ का टाइम भी होने वाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और जल्दी से मैं बना लूँगी सिंपल सी रेसिपी। इसकी रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़े का बनता है। वो अब शाम का टाइम हो चुका है, काफ़ी काम के बाद फ्री हो गई थी, और आज हम जा रहे हैं फेस्टिवल देखने। तो ये बहुत ही पुराना फेस्टिवल है जहाँ एवरी ईयर लगता है, तो वहाँ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रौनक भी होती है और काफ़ी चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्या क्या वहाँ होता है। चलिए लेट्स गो। तो अब हम एंटर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम लग गया था पार्किंग में, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। तो आपके साथ भी शेयर करते हैं यहाँ क्या क्या होता है। और यहाँ मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ सब कुछ ले लूँ। इतने प्यारे से बर्तन और क्रॉकरी बहुत ही प्यारी थी, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी थी, लेकिन बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी रखने की। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी रहने दो। तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा क्रॉकरी जमा करती रहती हूँ, मुझे शौक है। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं कलरफुल से।
और ये देखिए रात के टाइम पानी का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था और काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो ये देखिए स्वीट्स चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है हमें, क्योंकि ये हलाल भी नहीं होती और हम लोग खाते भी नहीं हैं। और काफ़ी कुछ था खाने को, लेकिन हम यहाँ से कुछ भी नहीं खाते। हमने जाना था रेस्टोरेंट, वहाँ खाना खाना था आराम से, क्योंकि यहाँ हलाल का कुछ ऑप्शन नहीं होता। तो अब बच्चे भी तंग करने लगे थे, ना अभी उठ चुकी थी, वो कहती है हमें राइड्स लेनी है, तो अब हम राइड्स दिलाने बच्चों को जा रहे हैं। गैराज के डोर वगैरह और बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें भी थी यहाँ पे, जैसे ये आपने देखे छोटी छोटी सी डॉग्स भी हुए थे। तो और ये सारा वुडन का है, और ये जो ब्लैंकेट है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं अभी कुछ टाइम पहले बाय कर चुकी थी। और बेडशीट्स तो मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं लेती, बेडशीट तो मैं पाकिस्तान से ही लेती हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, उससे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कौन कौन सी मैं बेडशीट्स पाकिस्तान से लेके आई हूँ। और यहाँ हुरैन राइड्स ले रही है, और थोड़ा सा उसे चैन हुआ कि मेरे भी कोई मुताबिक यहाँ चीज़ है। तो अनाबी अभी सो रही थी, तो अनाबी थोड़ी देर बाद शोर की वजह से उठ चुकी थी, और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी शोर की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था इधर म्यूज़िक का। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और बच्चे भी ज़्यादा तंग कर रहे थे क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो हस्बैंड का आज बर्थडे थी, तो सोचा बाहर आज डिनर करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं तुर्किश रेस्टोरेंट, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी इसलिए हम लोग रात के 10 बज चुके थे। तो हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और जल्दी से हमने खाना ऑर्डर किया। और वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है, हाफ आवर लग जाते हैं, 20 to 15 मिनट। तो आज शुक्र है जल्दी आ गया था, और भूख से सबकी हालत हो रही थी कुछ ऐसी। मैं भी बिल्कुल आराम से बैठ चुकी थी, और मैं बस मोबाइल ही यूज़ करी जा रही थी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। और सब ने अपने अपने पसंद का ऑर्डर किया, जो भी जिसने खाना था, और बहुत ही मज़े का होता है। हम लोग पहले भी कभी जब आते हैं तो यहीं आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो हस्बैंड की बर्थडे करनी थी हमने, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बर्थडे नहीं करते, तो इसलिए छोटा सा चीज़ केक हमने लिया था, और मैंने उसी से उन्हें सेलिब्रेट कर दिया था। तो वैसे चीज़ केक किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए ही लिया था, और बाकी ने अपनी पसंद का बकलावा लिया था। तो ये है हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन और ये छोटी सी खुशियाँ। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोला करें ऐसे व्लॉग्स देख के। तो मेरी बेटियाँ भी, दोनों बेटियों ने कहा हमने मुझे नहीं खाना, तो अनाबी और हुरैन दोनों ही मना कर रही थी। चले नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।